और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की, जहां के बीजपुर में अतिक्रमण हटवाने आए बाबा की बुलडोजर को बिना अतिक्रमण हटवाए वापस जाना पड़ा। ऐसा मामला सोनभद्र में पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां कई स्थानों की फोर्स के साथ पीएसी के जवान के साथ ही पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल भी तैनात रही, लेकिन केवल खाना पूर्ति कर अधिकारियों को वापस जाना पड़ा। वहीं पूरे सोनभद्र में वन विभाग के ज्यादातर मामले जमीन से संबंधित आते हैं। वन विभाग की जमीन पर वन विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से एक बस्ती बन रखी है, जो रोड के साइड में ही बनी हुई है। आखिर ये किसकी सह पर हो रहा है? जबकि सोनभद्र के उंभा में जमीनी विवाद में कईयों की जान चली गई और अभी कई सलाखों के पीछे भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग के अधिकारी अपने कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। और फिर उंभा जैसे कांड की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन को जागना पड़ेगा। खबर के अनुसार पुलिस कर्मियों में भी रोष देखा गया कि आखिरकार बुलाने के बाद भी अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने आए नायब तहसीलदार दुधी विशाल पासवान ने कहा कि जमुना गुप्ता के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जमीन वन विभाग की है या फिर राजस्व की। जबकि वन विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस जमीन पर विवाद है वो जमीन वन विभाग की है, जिस पर अस्थायी निर्माण किया गया है, जिसे हटवा दिया गया है, जिसके कारण अब जमीन पर बने मकान को धराशायी नहीं किया गया। अतिक्रमण हटाने की आई टीम में तहसील से नायब तहसीलदार के अलावा लेखापाल संतोष यादव, राघवेंद्र वर्मा सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। मामले में भूस्वामी राजेश कसेरा ने कहा कि जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है, फिर भी अधिकारी लोग घर गिराने आए हैं, जबकि वन विभाग ये कह रहा है कि जमीन उनकी है, तो वहीं राजस्व विभाग कह रहा है कि वो जमीन राजस्व विभाग की है। और इसके बाद जो मुंबई की रिपोर्ट में लगाए नेपाल ही लगाया, जिसका कि आँख में रहा उसके पास खतौनी नहीं था या उसके पास नक्शा नहीं था, जो पुराना 1965 का नक्शा वहाँ बता रहा है। कर्मी है राजेश कसेरा। क्या मामला है अभी जो आपका गिराया गया थोड़ा बहुत? सर, ये वन विभाग से हमारा मुकदमा चल रहा है, ये डीजे कोर्ट में और जनपद न्यायालय रावसगंज में भी मुकदमा चल रहा है सर उनके खिलाफ सर। फिर भी मेरा मकान गिराने के लिए लोग सर अधिकारी लोग आए कह रहे हैं सर कि तुम हटवा लो। वन विभाग कह रहा है सर मेरा है और तहसील विभाग कह रहा है मेरा है सर। आखिर किसका है तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सर। हम वन विभाग से मुकदमा लड़ रहे हैं सर। सर क्या मामला था? अभी काफ़ी फोर्स आई है यहाँ। जमुना प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि अवैध निर्माण हो रहा है, उनके कब्जे में हो रहा है, तो जो अवैध निर्माण दिखा है अस्थायी अवैध निर्माण है उसको हटवा दिया गया है और यहाँ शांति व्यवस्था के रूप में हटवाया गया है। कोई भी एसओ साहब भी मौजूद रहे, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही, कोई भी अवैध निर्माण ही हटाया गया है, कोई भी। तो सर ये क्या राजस्व विभाग में आता है, वन विभाग के जमीन में मकान बना जिसके कारण आप लोग नहीं हटा पाए? इसमें जहाँ तक देखा गया है अभी समन्वय नहीं बैठ पाया है, वन विभाग ही कह रहा है कि जो जमीन है वन विभाग की है।